80s के दशक में इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस रही नीलम कोठारी को कौन नहीं जानता। लव 86, सिंदूर, खुद गर्ज, हत्या, फर्ज की जंग, ताकतवर, दो कैदी जैसी कई फिल्में करने वाली नीलम अब भले ही बॉलीवुड से दूर हो, लेकिन हाल ही में उनकी वेब सीरीज फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई थी। लेकिन आज हम आपको नीलम से जुड़ा वो किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही लोग जानते हों। 80s के दशक में हैंडसम हंक बॉबी देओल और नीलम के प्यार ने खूब सुर्खियां बनाई, लेकिन 5 साल के बाद इन्हें अलग होना पड़ा। बॉबी देओल और नीलम कोठारी का प्यार कभी भी शादी के मंडप तक क्यों नहीं पहुंच पाया, जानते हैं इसकी कहानी। दरअसल एक्ट्रेस नीलम कोठारी ने 80s के दशक में अपने और बॉबी देओल के ब्रेकअप के बारे में स्टारडम नाम की मैगजीन से बात की थी। उन्होंने बताया था कि उनका और बॉबी देओल का ब्रेकअप किसी तीसरे व्यक्ति के कारण नहीं हुआ था, बल्कि दोनों ने खुद मिलकर ये डिसीजन लिया था। नीलम कोठारी ने स्टारडस्ट को बताया था कि किसी भी प्रकार का ब्रेकअप दुखदायी होता है और बॉबी देओल से अलग होकर वो भी काफी दुखी थी। बॉबी देओल से अलग होने के बाद नीलम कोठारी ने कहा था कि उन्हें अब ये फैसला सही लगता है क्योंकि इससे उनका परिवार खुश था। बॉबी देओल और नीलम कोठारी का रिश्ता लगभग 5 साल तक चला। नीलम के मुताबिक वो इस रिश्ते में कभी खुश नहीं थी। हालांकि बॉबी देओल से ब्रेकअप करने के बाद नीलम ने सनी देओल के साथ फिल्म की थी और फिल्म के सेट पर सनी और नीलम के बीच किसी प्रकार की कोई कोल्ड वाइब नहीं थी। और नीलम ने इंटरव्यू के दौरान इस बात की खुशी भी जताई थी कि बॉबी के कारण उनके ब्रदर सनी का बिहेवियर उनके प्रति बिल्कुल भी नहीं बदला। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नीलम और बॉबी देओल का ब्रेकअप धर्म पाजी की वजह से हुआ था। असल में धर्म पाजी नहीं चाहते थे कि कोई भी एक्ट्रेस उनके घर की बहू बने, जिस कारण बॉबी को ना चाहते हुए भी नीलम कोठारी से ब्रेकअप करना पड़ा। उसके बाद जहां बॉबी देओल ने तान्या हूजा से ईयर 1991 में शादी की, तो वहीं नीलम एक्टर समीर सोनी से मैरिड हैं और इनकी शादी साल 2011 में हुई। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी